हेलो गाइस, वेलकम टू हिंग कोच। मैं हूँ वंदना। इस वीडियो लेसन में स्टडी करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को या फिर प्रोनाउन को, संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उनकी विशेषता बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता के बारे में बताते हैं, तो वो शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि विशेषण। एग्जाम्पल देखते हैं। रेड रोज, रोज क्या है? नाउन। इसकी विशेषता बता रहा है ना, रोज कैसा है? रेड है। लाल गुलाब, गुलाब की विशेषता बता रहा है, गुलाब लाल रंग का है। तो यहाँ पे रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। ब्यूटिफुल गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन, नाउन के बारे में बता रहा है, गर्ल कैसी है? ब्यूटिफुल है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ऑनेस्ट मैन, ये मैन के बारे में बता रहा है कि आदमी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया? गुण हो गया, उसके बारे में बता रहा है मैन कैसा है? ऑनेस्ट है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। तो फ्लावर्स क्या हो गया? नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है कि फ्लावर्स कितने हैं, फ्लावर्स बहुत सारे हैं, तो नाउन के बारे में बता रहा है। तो जो नाउन के बारे में बताता है या नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो मैनी क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये फ्लावर्स के बारे में बता रहा है, फ्लावर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, फूल कैसे हैं? बहुत सारे हैं, तो मैनी क्या हो गया? एडजेक्टिव। देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, जग में लिटिल मिल्क है, मतलब ना के बराबर मिल्क है, बहुत थोड़ा सा दूध है, तो मिल्क के बारे में बता रहा है, ये मिल्क की विशेषता के बारे में बता रहा है, तो मिल्क के बारे में क्या बता रहा है कि लिटिल, ना के बराबर, तो लिटिल क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये मिल्क के बारे में बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कुछ बच्चे एब्सेंट हैं या आए नहीं हैं, तो ये स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, स्टूडेंट्स क्या? कुछ सम, सम क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। माई फ्रेंड गेव मी अ रेड रोज, मेरी दोस्त ने मुझे एक लाल गुलाब दिया, तो ये रोज के बारे में बता रहा है, रोज क्या? रेड, तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। आई हैव मैनी पेंसिल्स, मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं। अब पेंसिल्स की विशेषता बता रहा है, पेंसिल के बारे में बता रहा है कि पेंसिल्स क्या है? बहुत सारी हैं, मैनी, तो मैनी क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स क्या हैं। गाइज, अब हम एडजेक्टिव समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव 6 टाइप्स के हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? इट टेल्स अबाउट क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, क्वालिटी यानी गुण दोष, रंग रूप, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुण दोष रंग रूप, जैसे मैं बोलती हूँ स्मार्ट लड़की, तो स्मार्ट उसकी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, क्वालिटी बता रही हूँ। टॉल गर्ल, टॉल क्या हो गया? क्वालिटी हो गई। तो अगर मैं किसी के गुणों के बारे में बताती हूँ, क्लेवर, वाइज, इंटेलिजेंट, ब्रेव, गुण या दोष या फिर कोई भी रंग रूप, ब्लैक वाइट, मतलब क्वालिटी गुणों के बारे में बताती हूँ, तो वो होता है गुणवाचक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। क्लेवर बॉय, चालाक लड़का, तो बॉय के बारे में मैं बता रही हूँ, बॉय की विशेषता बता रही हूँ ना, क्वालिफाइंग अ नाउन और अ प्रोनाउन इज एडजेक्टिव, तो मैं बॉय के बारे में बता रही हूँ, बॉय कैसा है? क्लेवर है, क्लेवर क्या हो गया? गुणवाचक, क्वालिटी बता रही हूँ। मैन, ओल्ड मैन, मैन कैसा है? बूढ़ा है। स्मार्ट गर्ल, लड़की कैसी है? स्मार्ट है।
टॉल बॉय, बॉय कैसा है, टॉल है यानी कि लंबा है, तो उसके गुणों के बारे में बता रही हूँ. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट टेल्स अबाउट क्वांटिटी, ये मात्रा के बारे में बताता है, हिंदी में इसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण. एग्जाम्पल, लिटिल वाटर, मात्रा के बारे में, पानी कैसा है, लिटिल है, ना के बराबर. इनफ मनी, सफिशेंट है, मनी बहुत ज़्यादा है, पैसा क्या है, इनफ है. मनी नाउन है तो नाउन के बारे में बता रहा है, इनफ उसकी विशेषता बता रहा है. एडजेक्टिव इनफ, ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बता रहा है. मनी क्या हो गया, नाउन, ये नाउन के बारे में बता रहा है. इनफ मनी मतलब बहुत है मनी, पैसा बहुत है, तो इनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बता रहा है ये. सम राइस, थोड़े से राइस दे दो, मतलब थोड़े से चावल दे दो, तो ये भी मात्रा के बारे में बता रहा है. सम, ये वाला एडजेक्टिव किसके बारे में बता रहा है, मात्रा के बारे में बता रहा है. राइस क्या हो गया, नाउन, इसको क्वालिफाई कर रहा है, राइस के बारे में बता रहा है, थोड़े से राइस एडजेक्टिव हुआ, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि ये मात्रा के बारे में बता रहा है, थोड़े से. एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ये नंबर के बारे में बताता है. नंबर यानी कि संख्या, एक, दो, तीन, चार, पाँच, बहुत सारे, एक भी नहीं, नंबर. एग्जाम्पल, फ्यू बुक्स, थोड़ी सी बुक्स, कुछ किताबें, फ्यू बुक्स, कुछ किताबें, तो बुक्स के बारे में बता रहे हैं, नंबर क्या बता रहे हैं, कुछ, फ्यू. ऑल बॉयज, सारे लड़के, सारे लड़के, तो बॉयज के बारे में नंबर क्या बता रहे हैं, सारे, बॉयज के बारे में क्या बोल रहे हैं, सारे, ऑल. मैनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, नंबर बता रहे हैं ना, स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव, लेकिन मैनी नंबर बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट पॉइंट्स टूवर्ड्स नाउन और प्रोनाउन, ये संकेत करता है, इसको संकेत वाचक विशेषण कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये नाउन या प्रोनाउन की तरफ पॉइंट करता है. दिस, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वे सब. दिस कार, यह कार, कार की तरफ इशारा कर रहा है, कार नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है, लेकिन पॉइंट कर रहा है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दोज बॉयज, वे लड़के, तो लड़कों के बारे में बता रहे हैं संकेत करके कि वे. दीज गर्ल्स मतलब ये सारी लड़कियां, संकेत कर रहे हैं ना. दैट हाउस, वह घर, संकेत कर रहा है उस घर की तरफ, तो घर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो एडजेक्टिव हुआ दैट हाउस, लेकिन ये संकेत कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन करता है, जैसे कि व्हाट टाइम, किस समय, विच पेन, कौन सा पेन, हूज बुक, किसकी बुक. आई होप गाइज अब आप समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव और उनके टाइप्स क्या हैं. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिंद कोच. थैंक यू.